गुड मॉर्निंग एवरीवन। चैप्टर 3 हम रीड कर रहे थे, कैसे बनी बाघ की धारियाँ। तो अब तक हमने पढ़ा कि बाघ जो है उसके शरीर पर पहले धारियाँ नहीं थी, और उन धारियों के ना होते हुए वो बहुत सुंदर दिखता था, लेकिन जो है वो बहुत खूंखार था। जंगल के सभी जानवर उससे डरते थे, ठीक है, जंगल के सभी जानवर उससे डरते थे। और एक दिन उस नदी पर उसने एक बैल को देखा, तो बैल को देखकर उसे डर लगता था। वो ये सोचता था कि इसके जो लंबे लंबे सींग हैं, इनसे वो किसी भी जानवर को नुकसान पहुंचा सकता है, और उसे भी उन सींगों से डर लगता था। एक दिन उसने देखा कि उस बैल को एक साधारण कमज़ोर आदमी द्वारा हल में जोतकर चलाया जा रहा है। ये सब देखने के बाद बाघ को लगा, बाघ ने बैल से पूछा कि तुम इतने ताकतवर हो, फिर भी तुम एक ऐसे साधारण मनुष्य से क्यों डरते हो। तो बाघ जो बैल था उसने कहा कि साधारण मनुष्य का जो दिमाग है, उसके दिमाग के कारण जो है मैं उससे डरता हूँ। अब जो है बाघ जो है किसान के पास गया और उसने उससे कहा कि मुझे तुम्हारा दिमाग चाहिए। तब किसान ने कहा कि जो दिमाग है तुम्हारा मेरा, वो तो मैं घर छोड़ आया हूँ, मैं तुम्हारे लिए दिमाग लेकर आता हूँ, तुम मेरी तीनों बकरियों का ध्यान रखना और मैं तुम्हें यहाँ बांध कर जा रहा हूँ। आगे देखिए, आदमी को गए दो तीन दिन बीत गए, वह वापस ही नहीं लौटा। बाघ का भूख और प्यास से बुरा हाल था। बाघ जो है उसका भूख और प्यास से बुरा हाल हो गया। आदमी को दो तीन दिन हो गए थे गए हुए, लेकिन वो लौटकर नहीं आया, ठीक है, और जो बाघ है उसका भूख से हाल बुरा हो चुका था। आगे देखिए, ओह आदमी अभी तक नहीं आया, रस्सी भी बहुत कस रही है, ऐसे तो मैं मर ही जाऊंगा। अब जो आदमी बाघ है वो सोचने लग जाता है कि वो आदमी अभी तक नहीं आया और रस्सी भी बहुत कसकर बांधी हुई लग रही है, ऐसे तो मैं मर जाऊंगा। बाघ ने बहुत जोर लगा कर रस्सी तोड़ी, लेकिन रस्सी लिपटे रहने से उसके शरीर पर काली धारियां बन गई थी। जब बाघ ने जो है अपनी रस्सी खोलनी चाहिए, तो दो तीन दिन के अंदर रस्सी के कसाव से उसके शरीर पर रस्सी लिपटे रहने के स्थान पर काली धारियां बन गई थी। बाघ नदी पर पानी पीने गया तो देखा उसके शरीर पर काली धारियां पड़ चुकी थी। बाघ जब नदी पर पानी पीने गया तो उसने देखा कि उसके शरीर पर अब काली धारियां पड़ चुकी थी। ओह मेरा सुंदर शरीर, और वो सोचने लगा कि मेरा सुंदर शरीर अब नहीं रहा। उस दिन के बाद बाघ के शरीर पर धारियां बन गई, और उस दिन के बाद से बाघ पर के शरीर पर धारियां बन गई, ठीक है। ये काल्पनिक घटना है या काल्पनिक कहानी है जिसका हमने अभी वर्णन पढ़ा है, ठीक है, ये यहाँ समाप्त हो गई है।